हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ दिव्या शर्मा। फ्रेंड्स, क्या आपको ये पता है कि आपकी बॉडी में कितना खून है? क्योंकि हमारे शरीर में बीमारी कोई भी हो, उसके पीछे कारण तो सिर्फ 2-3 ही होते हैं। अगर आपने उन कारणों को ठीक कर दिया तो 99% बीमारियां तो ऐसे ही ठीक हो जाती हैं। 2-3 कारणों में जो सबसे बड़ा कारण है वो है खून का कम होना या उतना शरीर में खून नहीं होना जितना कि बॉडी को ज़रूरत है। मान लीजिए कि एक पौधा है, अगर हम उसे पानी नहीं डालेंगे तो वो पौधा कितने लंबे टाइम तक जीवित रह सकेगा। उसी तरह से यह खून भी हमारे मानव शरीर के लिए वही काम करता है जो एक पौधे के लिए पानी करता है। अगर हमारे शरीर में खून कम है तो हमारी बॉडी काम अच्छे से कर ही नहीं सकती। दोस्तों, अगर आप अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी को भरना चाहते हैं, हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई दुख होता है, अगर आप उस दुख को बाहर निकालना चाहते हैं तो आप हमारा ये चैनल हेल्दी लाइफ मोटिवेशन जरूर विजिट कीजिएगा। आपके अंदर बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी। इसके अलावा मैंने आपको एक और जानकारी देनी थी कि मैं 10 जनवरी को संडे यानी कि रविवार वाले दिन शाम को 7:15 बजे लाइव आ रही हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी घुटनों के दर्द का बहुत सस्ता और बहुत सटीक इलाज, कौन से एक्यूप्रेशर पॉइंट प्रेस करने चाहिए, चाहे ये दर्द बहुत पुराना हो इसका इलाज कैसे करना है। हम में से बहुत सारे लोगों के शरीर में खून कम होता है लेकिन हमें इस चीज का पता ही नहीं होता। अगर शरीर में खून की कमी रहेगी तो शरीर में ऑक्सीजन और खून अच्छे से शरीर के सभी अंगों तक नहीं पहुंच सकता। नतीजा, शरीर में सुस्ती लगातार बनी रहेगी। इसके अलावा बाल झड़ने लगेंगे, आंखों की रोशनी भी कमजोर पड़ जाएगी। इसके अलावा आपका खून भी गंदा हो जाएगा क्योंकि आपकी किडनियों की फंक्शनैलिटी भी कम हो जाएगी शरीर में खून कम होने से। आपकी स्किन ढीली पड़ने लगेगी, स्किन काली पड़ जाएगी, सिर दर्द लगातार रहने लगेगा और चक्कर भी आने लगेंगे। अब जो दूसरा कारण है वो है कॉन्स्टिपेशन। तो इन तकलीफों को दूर करने के लिए आज मैं आपको ऐसी चीज बताऊंगी जो आपके लिए अमृत का काम करेगी। एक चीज जो आपके घर में है लेकिन आप उसका सही ढंग से इस्तेमाल नहीं करते, एक ऐसी चीज जो एक दिन के जन्मे बच्चे को भी खिलाई जा सकती है। न्यू बॉर्न बेबी को माँ का दूध ही पिलाया जाता है, लेकिन उसके अलावा भी एक चीज ऐसी है जो बच्चे को खिला सकती है। जी हाँ दोस्तों, वो है गुड़ यानी कि जोगरी। अब ये गुड़ ही वो चीज है जो आपके शरीर में खून की कमी को दूर कर देगी, इनडाइजेशन या फिर कॉन्स्टिपेशन को ठीक कर देगी और शरीर में कैल्शियम की कमी भी नहीं होने देगी। गुड़ आपको किस तरीके से इस्तेमाल करना है ये चीज जाननी बहुत जरूरी है क्योंकि गुड़ तो सभी घरों में होता है। हम क्या करते हैं, गुड़ वाला दूध बनाकर पीते हैं। पर फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि दूध में कभी भी गुड़ डालकर नहीं पीना चाहिए, इससे गुड़ और दूध दोनों के गुण नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि आपको थोड़ा सा गुड़ सुबह सुबह गुनगुने पानी के साथ लेना चाहिए। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपकी बॉडी में कई तरह के बदलाव आएंगे। इससे आपको ऐसे फायदे मिलेंगे जिससे आपकी कई बीमारियां नष्ट हो जाएंगी। गुड़ में आयरन बहुत अच्छी मात्रा में होता है जो शरीर में खून की कमी को कम टाइम में बहुत जल्दी पूरा कर देता है। पुराने टाइम में लोगों को खून की कमी नहीं होती थी। पुराने टाइम में खाना लोहे के बर्तनों में बनाया जाता था और लोहे के बर्तनों में बना खाना आयरन से भरपूर होता था, लेकिन आजकल हम इन बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन इन सब के बावजूद भी अगर आप सुबह सुबह थोड़े से गुड़ को गुनगुने पानी के साथ लेते हैं तो शरीर में आयरन की कमी दूर हो जाएगी और बॉडी में नया खून बनने लगेगा। इसके अलावा सुबह सुबह गुड़ के साथ गुनगुना पानी पीने से कॉन्स्टिपेशन की बीमारी दूर हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी बीमारी है जो सारी बीमारियों की जननी है। दरअसल दोस्तों, जो भी हम खाना खाते हैं वो हमारे पेट में जाकर पचता है। पचने के बाद जब वो कुछ घंटों के बाद हमारे शरीर से पेट से बाहर निकलता है तो उसमें से बहुत स्मेल आती है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज है तो यही खाना आपके पेट में कई दिनों तक सड़ता रहता है। सोचिए, जब ये कुछ घंटों के बाद ही इतनी स्मेल देता है, अगर कई दिनों तक ये आपके पेट में रहेगा तो ये कितनी गैस को आपके पेट में बना देगा और यही गैस आपके शरीर में घूमती रहेगी जिसके कारण आपको वात यानी वायु से संबंधित समस्याएं हो जाएंगी। इससे होगा क्या, जहां भी वात और वायु इकट्ठी होगी वहीं शरीर में दर्द होने लगेगा। जहां भी ये ठहरेगी वहां दर्द होगा। साथ ही साथ आपके शरीर में कॉन्स्टिपेशन है तो शरीर में एसिड की मात्रा भी बढ़ जाएगी और एसिड की मात्रा बढ़ने से आपका खून एसिडिक हो जाएगा।
जिससे शरीर में पित्त दोष बढ़ जाएगा और पित्त दोष बढ़ने से 100 से भी ज्यादा बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि डायबिटीज, थायराइड, मोटापा, गाउट, हाई ब्लड प्रेशर और ढेरों बीमारियां जो शरीर में पित्त बढ़ने से हो जाती हैं। फ्रेंड्स, कब्ज के कारण जो खाना हमारे पेट में सड़ता है वे गंदगी रूप में धीरे धीरे खून में मिलने लगता है और इस गंदे खून को जब किडनी साफ करती है तो किडनी में स्टोन पैदा होने लगते हैं, जिसे हम किडनी स्टोन या गुर्दे की पथरी कहते हैं। खून गंदा होने से खून गाढ़ा हो जाता है, जिससे आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो जाती है। ये चीज तो आपको पता ही होगी कि हाई ब्लड प्रेशर की समस्या खून के गाढ़े होने से होती है, और ये खून का गाढ़ा होना, जो गाढ़ा पदार्थ अंदर आया है वो कचरा है, गंदगी है, जो कि ज्यादा टाइम तक कब्ज रहने से हमारे खून में मिक्स हो जाती है। आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको हाई ब्लड प्रेशर की दवाई शुरू कर देते हैं, लेकिन कॉन्स्टिपेशन का कारण तो पेट का खराब होना है, यानी कि कॉन्स्टिपेशन है। इसके अलावा जिनको थायराइड हो चुका है उनको भी यही समस्या होती है, क्योंकि उनके अंदर भी कब्ज की समस्या आ जाती है, जिसके कारण उनके शरीर में पित्त दोष बढ़ जाता है। पित्त दोष के बढ़ने से हार्मोनल इंबैलेंस हो जाता है, जिससे थायराइड जो ग्लैंड है वो अपना काम सही से नहीं कर पाती, थायरोक्सिन हार्मोन अच्छे से नहीं निकल पाता, जिसके कारण थायराइड की समस्या हो जाती है। खून का गंदा यानी गाढ़ा होने से इंसुलिन भी हमारे शरीर में कम बनने लगता है, जिससे डायबिटीज तक की समस्या हो जाती है। इसके अलावा जब हमारा खून गाढ़ा हो जाता है तो ये हमारी आर्टरीज में जमा हो जाता है एक प्लाक की तरह, जिसे कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो क्या करेगा, स्टंट डाल देता है। लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है, कब्ज। कब्ज के कारण वात बढ़ती है, पित्त बढ़ती है, खून गंदा होता है और कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो जाती है। लेकिन आप एक बार स्टंट डलवा देते हैं, लेकिन आप इसके कारण को अगर दूर नहीं करते, यानी कि अगर आप कॉन्स्टिपेशन की समस्या को दूर नहीं कर रहे, तो ये स्टंट डलवाने की समस्या आपको दोबारा भी फेस करनी पड़ेगी। बीमारियों के पीछे के कारण दो तीन ही है, खून की कमी और कब्ज की समस्या। तो इन दोनों कारणों को सिर्फ एक चीज से दूर किया जा सकता है। अगर आप खाली पेट थोड़ा सा गुड़ गुनगुने पानी के साथ लेते हैं तो आपकी 99% बीमारियां ठीक हो जाएंगी। इसके अलावा आपके बाल झड़ने भी बंद हो जाएंगे, आंखों की रोशनी अगर कमजोर है तो वो भी ठीक हो जाएगी, चेहरे पर ग्लो आ जाएगा। अगर आपके फेस पर बहुत ज्यादा पिंपल होते हैं तब भी ठीक हो जाएंगे, क्योंकि पिंपल होने का कारण भी खून का साफ ना होना है। इसके अलावा अगर आपकी हड्डियां कमजोर है, शरीर में कैल्शियम की कमी है, तो ये गुड़ खाने से शरीर में कैल्शियम की कमी भी पूरी हो जाएगी। पुराने टाइम में गुड़ का यूज ही किया जाता था, चीनी का यूज नहीं होता था। अगर आज भी हम चीनी की जगह पर गुड़ का इस्तेमाल करने लग जाएं, तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। इस छोटे से बदलाव से हम बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे। पुराने टाइम में लोगों के घरों में नीम का पेड़ होता था, अमरूद का पेड़ होता था, पपीते का पेड़ होता था। आज के टाइम में हमारे घरों में गाड़ियां रखने की जगह तो है, लेकिन इन पेड़ों को लगाने की जगह नहीं है, इसीलिए हम बीमारियों से घिर रहे हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप शरीर में ना तो आयरन की कमी होने दें और ना ही कॉन्स्टिपेशन रहने दें, ताकि आप बहुत सारी ढेरों बीमारियों से बचे रहे। तो इस गुड़ के माध्यम से आप इन ढेरों बीमारियों से बच सकते हैं, बहुत आसान सा तरीका है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपका लाइक मुझे मोटिवेट करता है। और अगर आपके कोई भी सवाल हो तो जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन बटन पर भी जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि हर नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय।